खबर केरल से। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान पर ब्रिगेडियर अर्जुन सैगन पैरा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट ने बताया, आज खोज और बचाव अभियान का चौथा दिन है और रास्ता खोला जा रहा है ताकि यहां पर उपकरण पहुंच सकें। यहां पर घर और दुकानें भी थीं लेकिन पानी के बहाव से सब कुछ बह गया और टूट चुके हैं। हम जहां पर खड़े हैं ये 80 से 100 फीट ऊपर है, इससे अंदाजा लग सकता है पानी का बहाव कितना तेज था। जहां जहां लोगों के फंसे होने की आशंका, मां तलाशी की जा रही है। अभी तक यहां कोई शव नहीं मिला है लेकिन यहां पर कल शव मिले थे, इसलिए आज विस्तृत में तलाशी की जा रही है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चूरमाला पहुंचे हैं। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ है। यहाँ के बाद दोनों रिलीफ कैंप जाकर पीड़ितों से मिलेंगे। ऑपरेशन का सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फादेस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहां पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है और जैसे और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहां पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहाँ हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहाँ पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहाँ घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपनी अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है और जहां जहां शक है कि यहां पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है। जी तो अभी जो आज कार्रवाई हो रही है, जहां जहां जो यहाँ के घर वाले हैं और उनके पड़ोसी हैं जो जिनको नॉलेज है इसका, उनको हमने अपने अपने टीम्स में साथ लिया हुआ है क्योंकि वही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने लोग थे, कहाँ थे, कोई मिसिंग है, और उनकी मदद से हम सर्च कर रहे हैं। और अभी तक सुबह से अभी तक तो कोई बॉडी नहीं मिली है। कल यही जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे बॉडीज मिली थी और आज उसको और डिटेल में सर्च किया जा रहा है। जी जैसे आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ 4 दिन से हैं, यहाँ लगातार बारिश आ रही है, तो उससे ये थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है ऑपरेशन की स्पीड में, लेकिन बारिश में भी काम हो रहा है। कल जब ब्रिज लगा रहे थे तो उसपे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ा था क्योंकि वो बहुत स्लिप कर रहा था, जहां पर ब्रिज पे जो पार्टियां चढ़ी हुई थी तो वो बहुत सावधानी से ब्रिज लगाना पड़ा कि कहीं कोई नीचे ना गिर जाए या कोई ब्रिज का सेक्शन टूट ना जाए, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा। लेकिन वो ब्रिज अभी बिल्कुल सेफली इंटैक्ट है और उस पर ट्रैफिक हरकत कर रहा है। बाकी टीम्स है वो अपना बारिश में काम कर रहे हैं, उससे कोई ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।